भूमिहीन आदिवासी परिवार ने मदद के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। आदिवासी परिवार न्याय की गुहार लगाने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। छिंदवाड़ा मंगलवार को कलेक्टर सभा कक्ष में लगने वाली जन सुनवाई पर जिले के मोहखेड़ तहसील के ग्राम मुजावर माल के निवासी बुधुलाल सरियाम ने कलेक्टर महोदय से अपनी पारिवारिक भूमि का पट्टा बनाने के लिए आवेदन किया है। बुधुलाल को, जो गोंडवाती जनजाति के सदस्य हैं, उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि उनके पूर्वज कई वर्षों से इस भूमि पर काबिज रहे और इसी भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बुधुलाल ने बताया कि उन्होंने 1991, 1995 और 1979 में भूमि का जुर्माना भी चुकाया है, जिसकी रसीदें उन्होंने आवेदन के साथ संलग्न की हैं। उनके पास अन्य कोई भूमि नहीं है और वे इसी भूमि पर आश्रित हैं। उन्होंने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नवशा जुर्माना भुगतान की रसीद और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें इस भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए, ताकि वे और अपना परिवार पुलिस सुरक्षित और समाजजनक जीवन व्यतीत कर सके। आदिवासी परिवार स्थानीय प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं और अब आगे देखना यह है कि बुधुलाल की इस आवेदन से स्थानीय प्रशासन और समाज का ध्यान कितना आकर्षित किया गया है। आदिवासी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में उचित और त्वरित कार्रवाई करेगा, जिससे बुधुलाल और उनके परिवार को राहत मिल सके। एमपी न्यूज लाइव, जिला ब्यूरो, राजा मंसूरी की खास खबर। घर मकान सब तोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या है घटनाक्रम, कहाँ का मामला है, पूरा बताएं। ये मुजावर माल भुलकुमडान मामला क्या है? खेत का मामला है। तुम्हारी खेती में क्या हुआ है? पट्टा की जगह पट्टा नहीं बनता, उसमें गांव वाले ने मकान बना लिए। कहीं पिछले साल से एक साल का मामला हो गया था, अलग ही का फैसला थे, सब जगह गए कलेक्टर ऑफिस भी कई बार चक्कर लगा दिए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हो? हमारी जमीन हमको चाहिए, न्याय चाहिए, हमारी जमीन हमको वापस चाहिए। घर भी तोड़ दिए। आपका नाम? दुर्गेश सरिया, निवासी भुड़कुंडाना। पिछले एक साल से हम लोग तहसील का और क्या बोलते हैं थाने का चक्कर, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही उस पे। क्या हुआ है आपके साथ में, घटनाक्रम विस्तार से बताइए। क्या बोलते हैं खेत में मतलब जोतने के लिए गए तो पूरे भुड़कुम ढाने के पूरे मारने के लिए हमको भगा दिया, हमारे मकान भी तोड़ लिए, पूरा सामान भी छीन लिए। जब कुछ नहीं है हमारे पास, ना रहने को है ना कुछ है, एक साल से यही गौर कर रहा है। कौन नहीं जोतने दे रहा आपका खेत, और किन्ने मकान तोड़ा आपका? भुड़कुम ढाने के लोग, गाँव वाले। इस संबंध में आपने कहा शिकायत की? हमने थाना में भी किए, थाना में भी किए, तहसील में भी किए और यहाँ पर भी किए। क्या हुई अभी तक कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, बस चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, पैसे पैसे मांगते ही जा रहा है लोग। कौन लोग मांग रहे थे? तहसीलदार, पटवारी। पटवारी आपका नाम बताइए, ग्राम का नाम बताइए। उर्मिला सरियाम, भुड़कुम ढाना में रहती। क्या समस्या है, कितनी जमीन है, क्या घर था और क्या स्थिति रही आपकी? वो जमीन आती थी 5 एकड़ 45 डिसमिल आती। क्या हुआ? उसको पट्टा पाने नहीं। तो क्या समस्या क्या है आप? समस्या क्या है, वो तहसीलदार को पट्टा नहीं बना रहा, खेत तो लगा दिया, साउंड भी लगा खेत। जमीन कहाँ से मिली थी आपको? जमीन वही पटवार की जमीन है। कब से आप आवेदन निवेदन कर रहे हैं? आवेदन तो होगा 4-5 आवेदन। अभी तक क्या सुनवाई हुई? अभी वहाँ भोपाल में भी लगवा था रात में। अभी तक क्या सुनवाई हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं। आप परेशान हो रहे हैं, आपका कहना है कि लंबे समय से परेशान हो रहे हैं आप, कि अगर सुनवाई नहीं होती तो आपका क्या अगला कदम होगा? हम जहाँ हत्या करेंगे और क्या करेंगे, 20,000 भी ले लिए, उसके बाद भी नहीं दिए बना। कितने दे दिए 20,000? तहसीलदार पटवारी। कहाँ के तहसीलदार? मोकड़ के, मोकड़ के सावरी के। दादा आपका नाम बताएं। बुद्ध सरिया, निवासी निवासी बुढ़कुंडा।